الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد صدر إجلاس ज़ुअमाए किराम जमीयत उलमाए इस्लाम के सोशल मीडिया से वाबस्ता मेरे नौजवान साथियों हमारे इस इज्तिमा को कवर करने वाले मेरे मोहतरम सहाफ़ी भाई आज के इस कामयाब इज्तिमा के इनेकाद पर मैं जमीयत उलमाए इस्लाम के सोशल मीडिया टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने एक कामयाब इज्तिमा का इनेकाद किया है और ये जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग है। मैं बज़ात खुद सोशल मीडिया की जदीद तकनीक के बारे में महारत नहीं रखता। हमारे नौजवान और नई नस्ल इस फ़न को बहुत ज़्यादा जानती है। मेरे अपने घर में बार दफ़ा मेरे पोते मुझे सिखाते हैं। तो यकीनन इस हवाले से जो आपका शगफ़ है और आपकी दिलचस्पी है ये काबिल कदर है, काबिल तारीफ है और खुदा करे कि आप इस मिशन को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाते जाएं। अकरम दुरानी साहब ने बहुत मुख्तसर ख़िताब किया और खड़े होकर किया, मुझे पता है कि वो भी खड़े होकर लंबी तकरीर नहीं कर सकते। लेकिन जवानी अपने नाम अलाट कर दी। तो मैं भी आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं उससे ज़्यादा जवान हूँ।
इस वक्त बड़ी संजीदगी के साथ इस बात पर हमें गौर करना है कि हमारी मुश्किलात क्या हैं। कुछ हकायक हैं जिसे हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। मरीज अगर मर्ज को तस्लीम ही नहीं करता, डॉक्टर को रुजू ही नहीं करता, तो मर्ज बढ़ता जाएगा और उसका इलाज नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान दाखिली मुश्किलात से भी दो चार है। और बैरूनी खतरा से भी दो चार। मिन हैसुल कौम हमें अपने वतन के लिए सोचना पड़ेगा। मामलात वक्त के साथ साथ गंभीर होते जा रहे हैं। गुत्तियां सुलझाने के बजाय और मुश्किल होती जा रही है। ये कौमी मसला है। हमने अगर 10-12 साल पहले निशानदेही की तो ये किसी के साथ हमारी कोई जाती जंग नहीं थी। हमने किसी को गाली नहीं दी। आप बरसगीर की तारीख को पढ़ें। क्या बरसगीर की तारीख में हमें वो तबका नहीं मिलता अपने ही हम वतनों का, अपने ही मुल्क के खास तबके का, जो अंग्रेज की गुलामी पर फख्र करता था? जो बरसगीर पर अंग्रेज के कब्जे को जायज समझता था, उसका वफादार था, उसके बदले में मराआत वसूल करता था, चाहे वो जागीरदारों की सूरत में थे, चाहे वो कुछ बड़े बड़े दरगाहों की सूरत में थे। तो क्या अब हम वो बात न करें? वो हमें कहें कि आप हमें अंग्रेज का वफादार कहते हैं? ये तारीख का हिस्सा है, आप ये हकीकत है। क्या हमारे मुल्क के अंदर वो जमातें या उन जमातों की अहम शख्सियात, हत्ता कि आज भी, क्या वो लोग नहीं हैं जो अमेरिका के वफादार रहते हैं, अमेरिका के पॉलिसियों की पैरवी करते हैं, उसको पाकिस्तान में नाफिज़ुल अमल करने के लिए अपनी खिदमात पेश करते हैं? तो फिर क्या हम इन हकायक से आंखें चुरा लें? क्या हम इसका तज़किरा ही ना करें? तो अगर हमारी नज़र में एक ऐसा अंसर मुल्क की सियासत में दाखिल हुआ कि जिसने दुनिया की यहूदियत से हिदायत ली, तो उसको तश्तज़बाब करना ये हमारी तारीख का हिस्सा है। हमने पहले भी किया है और आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह। ये एक नज़रियाती जंग है,
इस नज़रियाती जंग को नज़रियाती तौर पर हमने लड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको ज़ख्मी किया, हमने उसको गिराया है और हम उसको समझते हैं कि हमने इसराइल के एजेंडे को भी शिकस्त दी है, हमने मगरब के एजेंडे को भी शिकस्त दी है, हमने अमरीकी एजेंडे को भी शिकस्त दी है और पाकिस्तान में उनके वफादार और उनके एजेंडों को भी शिकस्त दी है। ये एक नज़रियाती जंग है। लोग इख्तदार की जंग लड़ते हैं, लोग मफादात की जंग लड़ते हैं, लेकिन हमने अपने नज़रियाती तसलसल को बरकरार रखा है। हम अपने मनहज से हटे नहीं हैं और नौजवानों को इस बात पर एतमाद करना चाहिए। हम बिलावजह बात नहीं कर रहे। हमें क्या दुश्मनी थी उनके साथ? जब 2002 में मैं पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट था तो मुझे तो वोट दिया था उन्होंने। और आज तक हमारे अंदर कोई खामी नहीं निकाल सका सिवाय गालियों के। और आज मैं आप लोग भी कभी कभी मैसेजों में ये बात कर लेते हैं कि फजल रहमान आजकल खामोश है, बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? बाबा मेरे रिवायात हैं, मैं जिससे जंग लड़ता हूँ फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले होने चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो, मैं उसके खिलाफ जलसे और तकरीरें करूं, मज़ा नहीं आता। लेकिन नज़रियाती जंग अपनी जगह बरकरार है, उस तसलसल में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लोग कहते हैं जी मैं अर्ज़ करता हूं आपको, मैं चाहता हूं हर सियासतदान के लिए, हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो, लेकिन अगर कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून तो फिर कानून होता है। न मैं उससे मुस्तस्ना हूँ, ना आप मुस्तस्ना है, ना कोई और मुस्तस्ना है। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट मेरे पास आया, मगरबी दुनिया का बड़ा अहम डिप्लोमेट था, मुझे कहने लगा कि हम उनकी गिरफ्तारी पर हमें तश्वीश है। मैंने कहा मुझे भी तश्वीश है। ऐ काश कि, मैंने कहा आपको उस वक्त भी ये तश्वीश होती जब 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म रहने वाला सी क्लास में पढ़ा हुआ था, जब 3 दफ़ा एक सूबे का वज़ीर आला सी क्लास में पढ़ा हुआ था, उस वक्त तो आप लोगों ने इस पर कोई तश्वीश का इजहार नहीं किया। ये आपका नुमाइंदा था इसलिए आपको तश्वीश है। फिर कहा जो गिरफ्तारियां हो रही हैं इस पर हमें तश्वीश है। तो मैंने कहा अगर ये हमला मुल्क आपके मुल्क पे, आपके पार्लियामेंट पर होता या आपके किसी फौजी हेडक्वार्टर पे होता तो फिर आप क्या करते? कहा हमारे यहां तो कानून हरकत में आता। तो मैंने कहा यहां भी कानून हरकत में आया है। ट्रंप ने और ट्रंप के लोगों ने अमेरिका में वो हिल पार्क है क्या है उस पर हमला किया, वो रियासती मकाम है, और तमाम लोगों को जेलें हुई, उम्र भर की जेलें हुई, बास को फांसी की सजा तक दी गई। तो अगर अमेरिका के लिए अपना एक रियासती मरकज वो इतना तकद्दस रखता है तो फिर पाकिस्तान की भी रियासती इदारे हैं। इख्तलाफ तो हमने भी किए, हमसे बड़े जलसे किसने किए हैं, हमसे बड़े मिलियन मार्च किसने किए हैं,
क्या हमें पता नहीं था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की क़ियादत इस जुर्म में शरीक थी? हमें पूरा इदराक था, लेकिन हमने अफराद के इख्तलाफ को नहीं देखा, हमने इदारों के एहतराम को देखा। फ़र्क होता है सियासत, अपने हुदूद को समझना चाहिए। हम अपने हुदूद को भी समझते हैं, कानून के हुदूद को भी समझते हैं, और उसके अंदर भरपूर अपनी ताकत का मुजाहरा भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें आज ये देखना है कि पाकिस्तान का पूरा इंतजामी ढांचा मेरी नाकस राय में, मुमकिन है मैं कुछ ज़्यादा हसास हूँ और ये बात कर रहा हूँ कि मुल्क का मजमूई इंतज़ामी ढांचा इस वक्त ज़वाल पज़ीर है। एस्टेब्लिशमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी, उसकी गिरफ्त कमज़ोर है। मुल्क के अंदर चारों सूबों के अंदर जो मरकज गुरेज कुव्वतें हैं या मजहब बेजार कुव्वतें हैं, वो अपने अपने इलाकों में अपनी गिरफ्त और अपने असर को मजबूत किए जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी पर आवाम का एतमाद कमज़ोर होता जा रहा है। कौम की नाराज़गियाँ बढ़ रही हैं और फिर माशी लिहाज से हम जुबूहाली का शिकार होते जा रहे हैं। जहाँ दुनिया में मईशत कमज़ोर हो जाए, वहाँ कौमी वहदत भी साथ साथ कमज़ोर हो जाती है। वहाँ वतन के साथ, मुल्क के साथ कमिटमेंट कमज़ोर हो जाती है। और हमने तजर्बा किया है गुज़श्ता जो 5 साल गुज़रे हैं, 3.5-4 साल जिनकी हुकूमत रही और मुल्क की मईशत की इमारत को गिराया, तो ख़तरा था कि मुख्तलिफ सूबों में बगावतें शुरू हो जाएं, मुख्तलिफ इलाकों में बगावतें शुरू हो जाएं। ये जमीयत उलमाए इस्लाम थी जिसने तमाम पार्टियों को एक प्लेटफार्म पर रखा, चाहे वो कौमी सतह की जमातें थी, चाहे वो इलाकाई जमातें थी, चाहे वो कौम परस्त जमातें थी, सबको हमने एक प्लेटफार्म पर रखा ताकि मुल्क की वहदत को बचाया जा सके। ताकि कहीं किसी जगह में लोग बगावत की तरफ न चले जाएं, वरना यकीन जानिए जहां हम गए हैं, एयरपोर्ट पे गुजरे हैं, जहाज में चढ़ते हुए, बाहर निकलते हुए, कहीं रोड पर खड़े हुए, जो शख्स मिला, सर इस मुसीबत से कब जान छुड़ेगी, इसे तो मार दिया, इसके अलावा और कोई बात किसी की नहीं थी। और मैंने उस वक्त भी ये कह दिया था, जब अभी अदम एतमाद नहीं हुआ था, तो मैंने पब्लिक जलसों में कहा था कि मईशत इतनी गिर गई है कि इस मईशत को अब दोबारा उठाना ये मुश्किल काम हो जाएगा। और अब आप देखें मुश्किल है या नहीं है। इक्तिसाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 10 साल 15 साल बिल्कुल एक ही सतह पे रहे, ये ऊंच नीच रहती है। मजमू कौमी पैदावार की शरह भी मुख्तलिफ होती रहती है। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 2017-18 के बजट पे हमने मजमू कौमी पैदावार की शरह 6 और 6.5% तक रखी, और फिर जब ये लोग आए बजाम खेश बड़े दयानतदार
सबको चोर कहने वाले, खुद घड़ी चोर। जब ये आए तो इनके वक्त में पाकिस्तान की सालाना मजमूई कौमी पैदावार जीरो से नीचे यानी माइनस में चली गई थी। ये दिन भी कौम ने देखा है। जब आपके स्टेट बैंक में ज़र मुबादला के ज़खायर रिजर्व सिर्फ 2 अरब डॉलर रह गए थे, जबकि हमने 17 अरब डॉलर छोड़े थे। पूरी दुनिया की मईशत में पाकिस्तान 24वें नंबर पे आ गया था। अगर ये बीच में लोग ना होते, आज G20 का पाकिस्तान मेंबर होता। हमारे पड़ोस में अभी G20 का इजलास हुआ है, पाकिस्तान उसका मेंबर होता, वहाँ शरीक होता। लेकिन इन 3.5 सालों में पाकिस्तान दुनिया की मईशत के 47वें नंबर पे चला गया। उछल रहे हैं, बात को समझते ही नहीं है कि हमने किया क्या है इस मुल्क के साथ। हुकूमत की गिरफ्त कमजोर कर दी और अभी तक कमजोर है। बीच में आदमी एतमाद आया, हुकूमत बनी 11-12 जमातों की, लेकिन मैं कहता रहा कि मुल्क इस हद तक नीचे जा चुका है कि ये अब दलदल है, दलदल दलदल से आदमी निकलने की कोशिश करता है लेकिन धंसता चला जाता है। हमारा सूबा है, गुर्बत अपनी जगह पर है, महंगाई अपनी जगह पर है, लेकिन बदअमनी और खौफ का क्या आलम है। आए रोज खूनी खेल खेला जा रहा है। कबायली इलाकों में रोजमर्रा के हिसाब से कितने लोग गोली का निशाना बनते हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम पर क्यों हमले हुए, किसके इशारे से हुए? बाजावड़ का हादसा क्यों दरपेश हुआ? और हादसे से पहले कोई 1-1.5 साल के अंदर मेरे 20 उलमा क्यों शहीद किए गए? और उसके बाद भी सिलसिला जारी। मस्तोंग में कभी किसी जमाने में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पे हमला हुआ, 26 साथी शहीद हुए, और यह अभी हाफिज हमदुल्ला पे हुआ, और अभी ईद मिलाद पर फिर हुआ, 50-60 लोग उसमें शहीद कर दिए गए। जहां इस हद तक कत्ल गारतगरी हो, जहां इतना ज्यादा खून बहे, वहां अमन, वहां सुकून, वहां इत्मीनान का क्या सवाल पैदा होता है? कैसे वहां का शहरी घर से निकलेगा और इस इत्मीनान के साथ कि शाम को घर वापस महफूज आएगा वापस? तो पूरा ढांचा आपका हिल चुका है। कराची गली कूचों में जरायम, समाजी जरायम, MNA और MPS से गाड़ियां छीन ली जाती हैं, ले जाते हैं उनसे। पंजाब का ताजर परेशान, जमींदार परेशान। आज कश्मीर में, पूरे कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, अगरचे उसका बुनियाद एक वहाँ का मकामी मसला है कि मंगला डैम कश्मीर में है और पावर हाउस पाकिस्तान में है, बिजली पाकिस्तान में जमा होती है और फिर हमें महंगे दामों बेची जाती है।
बिजली के बिलों के खिलाफ वहाँ लोग निकले हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान पर भी एतमाद ख़त्म होगा ना कश्मीरी का, उसके भी कुछ असरात खत्म होंगे ना, उसके भी कुछ नतायज होंगे फिर कल, न मालूम हम किधर जा रहे हैं। कौन लोग हैं जो चार पांच अपने एक कमरे में बैठकर पूरे मुल्क का और आवाम का और हर चीज़ का फैसला करते हैं और अपने आप को अक्लकुल समझते हैं। मैं जब कुछ कमज़ोरियों का जिक्र करता हूं तो हमारे सहाफ़ी बिरादरी हम मुझ पर तबसरे करती है कि ये इलेक्शन मुलतवी करना चाहता है। वह इलेक्शन नहीं मुलतवी कर रहा, उनकी गलत फैसलों की निशानदेही कर रहा हूं। इलेक्शन के लिए तो हमने 2018 का इलेक्शन तस्लीम नहीं किया, 3.5 साल हमने दोबारा इलेक्शन का मुतालबा किया और हमें इलेक्शन से डराया जाता है। जो हमें इलेक्शन से डराता है वो ज़रा इस सूबे के बल्दियाती इलेक्शन के नतीजे देख ले कि क्या हम डरने वाले हैं या हमसे कोई डर रहा है। लेकिन उसके बावजूद मगरबी दुनिया आज भी उनकी पुश्त पर है, उनकी लॉबीज यहाँ काम कर रही हैं, ये एक पार्टी के लिए काम नहीं कर रही, ये रियासत के खिलाफ काम कर रही। इसका रास्ता इन नौजवानों ने रोकना है। तो आज इस वक्त आपने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है। गिलगित बल्तिस्तान में क्या सवालात पैदा हो रहे हैं, कभी किसी ने सोचा इस बात पे? वो ये समझते हैं कि इस्लामाबाद हमारे हकूक़ का इस्तेहसाल कर रहा है और हमें फिर कवाराना झगड़ों में उलझा देता है, हम आपस में लड़ रहे होते हैं, पंजाब में फिर कवारियत फैला दी जाती है। हमारा सूबा कितनी मरतबा इस फ़ज़ा से गुजरा, बलूचिस्तान गुजरा है इससे, हालांकि वहाँ फिर कवारियत दूर दूर की भी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन वहाँ पर भी अनासर पैदा किए गए। हमने सियासी नुकसान उठाया लेकिन हमने गलत को गलत ही कहा कि गलत गलत है, हमें अवाम में जाना चाहिए, हमें अवाम को एतमाद दिलाना है कि हम आपके हकूक़ के मुहाफिज हैं। मैं सियासी जमातों से भी कहना चाहता हूँ, सब लोग लगे हुए हैं इलेक्शन कंपेन में, समझते हैं कि अगले इलेक्शन में हम कामयाब हो जाएं, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये सबका हक है, लेकिन तरजीहात तो देखो। आप इलेक्शन की फिक्र में हैं और उधर रियासत जो है डूब रही है आपकी, पाकिस्तानियों के हाथ में अगर किसी के हाथ में डॉलर है बाहर भेज रहा है, समगल हो रहा है, बाहर के लोग तफसीलात रोक रहे हैं, पैसा पाकिस्तान नहीं भेज रहे, सरमायाकारी मुल्क के अंदर नहीं हो रही। अब आप मुझे बताएं कि इन हालात में अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बंदूक उठाता है और इस जज्बे के साथ कि मैं तो जिहाद लड़ रहा हूं, ये एक जज्बा तो हो सकता है, ये एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इसका आगाज करने से पहले हालात को समझकर इसके अंजाम पर भी नज़र रखनी चाहिए, इसके नताइज क्या होंगे। नताइज ये होंगे इसके कि आपका इंतखाबी अमल मखदूस हो जाएगा, बाहर से सरमायाकारी बंद हो जाएगी, पाकिस्तान में अमन नहीं, अदम इस्तेहकाम है, सियासी लिहाज से भी माशी लिहाज से भी। एक दफ़ा हमने मुल्क को दिवालियापन से निकाला, दोबारा उस तरफ जा सकता है। और फिर हमें पड़ोस के ममालिक से जंग और तलखी, हम इसके मुतहम्मिल नहीं हैं भाइयों।
हिंदुस्तान से चलो हुआ हमारा दुश्मन, उससे तो हमें किसी खैर की तवक्को नहीं, लेकिन ईरान से हमारे ताल्लुकात खातरखा हैं और अफगानिस्तान से भी हालात आए रोज हमें नजर आ रहा है कुछ तलखियां पैदा हो रही हैं। बज़ाहिर तो कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पर जो मुल्क में रहते हैं वो बाहर चले जाएं, लेकिन गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले वो सिर्फ पश्तून तो नहीं हैं, लेकिन हाथ डाला गया सिर्फ पश्तून पर। क्यों? और फिर जायज और नाजायज का कोई फर्क नहीं, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसके कार्ड में जेब में कार्ड भी है उसको भी पकड़ो, निकालो यहां से। आप मुझे बताएं, आप पठान लोग हैं, बहैसियत पश्तून भी और बहैसियत मुसलमान भी हमारी रिवायात क्या हैं? अगर एक महीना और एक साल भी आपका मेहमान आपके घर में रहे और आप उसकी खिदमत करते रहें और घर से निकाले तो एक लात मार कर घर से निकालो, आप बताएं कि आपके वो एक साल की पूरी मेहमानदारी ख़त्म नहीं हो गई? वो कहीं दुनिया में ये कहेगा कि इसने मुझे एक साल घर में पाला था? वो यही कहेगा मुझे इसने लात मार कर घर से निकाला। मसला क्या पैदा हो गया एकदम सा? इसीलिए हमने कहा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा एक कमीशन कायम किया जाए जो बाहमी मसाइल को मुफाहमत के साथ तय करे। अफगानिस्तान में तो 20 साल जंग रही, बल्कि उससे भी पहले 20 साल और भी लगा दो, 40 साल से वहां जंग है। अभी कुछ वहां अमन आया है, तो वहां पर अगर कोई हुक्मरान है आप उसको अपने बराबर के मेयार का समझ लें कि उनके रवैये भी मेरे मेयार के बराबर बराबर होने चाहिए, वो भी उतना ही मेच्योर हो जितना मैं मेच्योर हूँ, उसको उतना ही ज़िम्मेदारी का एहसास हो जितना कि मुझे ज़िम्मेदारी का एहसास है, इसके लिए तो कुछ वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा ना। और फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान गिद्ध की तरह उन पर झपट रहे हैं, किसी से ज़मीन खींच रहे हैं, किसी से पैसे खींच रहे हैं, क्या हशर कर दिया इन लोगों ने? ये इंसानी हुकूक है? मैं दुनिया के इंसानी हुकूक की तंजीमों को दावा देता हूँ कि आए पाकिस्तान में, और आज इस वक्त पाकिस्तान में अफगान मुहाजरीन के हवाले से इंसानी हुकूक का मुताला करें कि हो क्या रहा है पाकिस्तान का। हर मसले का कोई रास्ता होता है, हर मसले का कोई सलीका होता है। आज एक बात कह दी और आज न हो सकी तो कल का इंतजार ही नहीं करना, फौरन झगड़े का ऐलान कर देना। एहतियात की जरूरत है, हम मुश्किल में हैं और हम रोज बरोज अपनी मुश्किल में इजाफा किए जा रहे हैं। निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत है ना, बेमोर उपलार हुकूमत। कुर्सीदा से कर लगे जो खाली, पता नहीं निगरान हुकूमत की जरूरत क्या, कहां से ये कॉन्सेप्ट निकला है? दुनिया में तो कहीं ऐसा नहीं है। जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है और इन विचारों पर अगर आप तनकीद करें तो आदमी अपने आप को बुरा बुरा लगता है कि मैं इस पर क्या कहूं इनके बारे में, तो मौजूर है बेचारे। मैं दावत देता हूं संजीदगी की तरफ आने का,
मैं दावत देता हूँ अपने हालात को सही मानों में समझने का, उसका तजिया करने का। तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूँ, उनकी क़यादत से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस वतन अजीज़ को बचाने के लिए सोचें। अगर मेरे आवाज़ पर कोई लब्बैक कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कहता तो फिर ये फ़कीर तन्हा भी ये अलम ले आगे बढ़ेगा। अकलियतें गैर महफूज हैं हमारे मुल्क में, उनके घरों को जला दिया जाता है, उनके इबादतगाहों को जला दिया जाता है। कब इस्लाम की ये तालीम है? मजदूर तबका परेशान है, किसान परेशान है, कोई एक तबका तो ऐसा नहीं जो मुतमैन हो, आम दुकानदार परेशान है। लिहाजा आज मुल्क को और कौम को एतमाद में लेने की ज़रूरत है, इसी मकसद के लिए हमने आगे बढ़ना है। इंतखाब जब आए बसर हो चुके, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है ना कि जनवरी के आखिर में, तो आधे पाकिस्तान में तो बर्फ़ होगी। इतनी सी बात कहकर तबसरा करते हैं कि साहब ये तो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहता है, तुम जरा आओ ना हमारी तरफ, तुम जरा जाओ ना वजीरिस्तान से लेकर चतराल तक और फिर स्वात और शान लगे पहाड़ों में कोहिस्तान तक और फिर इबटाबाद और मरी तक जाओ जनवरी के आखिरी हफ्ते में, फिर सियाहत के लिए लोगों को भेजो ना उधर इस मौसम में। खुजदार से लेकर पूरा बलोचिस्तान शुमाल में बर्फोश इलाके। अब ये बात अगर करनी है तो हकायक ज़मीनी हकीकत है, क्या हम अपने मुल्क के मौसम को नहीं जानते? एक बंदा उन इलाकों में नहीं है। अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर एक ख़ास शरह के साथ ख़वातीन वोट न डाल सकें तो उसको मंसूख कर देंगे, तो दोबारा इलेक्शन करो। तो जहां बंदी नहीं है और जहां वोट ही नहीं पड़ सकेगा उसका कोई लिहाज नहीं है। तो हमने एक मशवरा दिया है इलेक्शन कमीशन को कि ज़रा अगर या तो आइन के मुताबिक करो तो नवे दिन के अंदर करो, तो नवंबर में करो, और अगर सब ने इत्तेफाक राय के साथ नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने के दस्तखत किए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं और तमाम पार्टियों ने किए हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने नई मर्दमशुमारी के तहत तो फिर नए हल्काबंदियां भी करनी है। और हमारे साथ तो खूब हुआ, ये जो कहते थे ना कौम परस्त कि कबायल का इंतजाम करो, इंतजाम करो, फाटा का इंतजाम करो, इंतजाम करो, अब इंतजाम तो हो गया। कितने साल हो गए? छः साल हो गए ना। अब छः साल में उनको ये पता नहीं चल रहा कि हम अब कबायल हैं या हम सेटल इलाके के बंदोबस्ती हैं। न मर्द में शुमार हुए ना औरत, नहीं हूँ मैं नशियों में, हक्के बक्के परेशान। कितना इत्मीनान दिलाया गया, वो ऑपरेशन वो ऑपरेशन, कोई 10-12 ऑपरेशन कराए मुल्क पूरे इस इलाके में, और आज उससे कहीं बुरा हाल, उससे कहीं बड़ी तादाद में लोग आए, उससे कहीं अच्छे असलहे के साथ लोग आ गए। पुलिस ने तो अपनी चौकियां बंद कर दी हैं, रात को एक की हुक्मरानी होती है, दिन को दूसरे की हुक्मरानी होती है, और हमें कहा जाएगा इत्मीनान है, इत्मीनान किस चीज़ का इत्मीनान है? मैं फिर कहता हूं आपसे कि इलेक्शन कंपेन भी मांगता है, कुछ इलाके में जाना भी पड़ता है। दुरानी साहब आप अपने इलाके में जा सकते हैं? शरदम साहब आप जा सकते हैं अपने इलाके में, घूम सकते हो? मेरा भी यही हाल है।
अभी परसों हमारे ज़िला टांग के मेयर को सद्दाम को उस पर रॉकेट फायर किया गया, फायरिंग का तबादला हुआ, अल्लाह ने बचा लिया। एक साल पहले उन पर हमला हुआ था। अब इन हालात में कोई कैसे कंपेन के लिए निकले? मुझे पता है जब वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ साहब वहाँ इलाके में आए तो उनकी सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम किया गया था और कैसे किया गया था, किस तरह वो आए और किस तरह महफूज वहाँ से निकले हैं। आप तो टीवी में देखते हैं वज़ीर आज़म उतरा गए, बात कर लिया और चले गए, खैर खैरियत थी? कोई खैर खैरियत नहीं थी यार। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिसको हमने अब जांचना है इन चीज़ों को, और इस पर हमने काम करना है। 14 अक्टूबर को जब आप मुफ्ती साहब का कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये कॉन्फ्रेंस आम कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, ये आपके पूरे सूबे की सियासत को पलट देगी इंशाअल्लाह। सिर्फ सूबे को नहीं, ये पूरे मुल्क की सियासत को तब्दील कर देगी, और हमें पूरे मुल्क पे जाना होगा, पंजाब में भी जाना होगा, सिंध में भी जाना होगा, और वहाँ भी हम इंशाअल्लाह इस दफ़ा मुकम्मल पूरा इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये चीज़ें हमारे मद्देनज़र होनी चाहिए, इस कॉन्फ्रेंस को आपने कामयाब करना है। और एक बात मैं आपसे अर्ज करूँ, हाँ, इंतजाम क्या हुआ, आप 6 कौमी असम्बली की सीटों से महरूम हो गए और गालिबा 8 हमारे सेनेट की सीटों से आप महरूम हो गए, ये दम गटा उकड़ा उस ओन खलकों ने तपोस हो गए, चाहे भी इंजिमामों के इंजिमामों के इंजिमामों के इंजिमामों के। अमू खा का मूल्या नए फलान की मुला फबांग कली बनवाया, ख्वार मुला फबांग कली बनवाई थी, नारे मोरता उखड़ ले। हमने चीख चीख कर इनसे कहा कि अभी वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है, ज़रा सब्र करो, हालात नहीं है इसके मुआफिक। लेकिन मुझे वाज़े तौर पर कहा गया कि अमरीका का दबाव है, यह है हमारी आज़ाद हुकूमत, यह है हमारी आज़ादी। तो इस हवाले से फाटा के लोग आज गैर महफूज हैं, एक एक घर गैर महफूज है, पहले से तबाहाल कबायल इंजमाम के बाद भी बेघर भी हो गए और दरबदर भी हो गए, जिंदगी भी उनकी खतरे में है। कैसे जिंदगी गुजारते हैं वो लोग, बहुत सख्त लोग हैं। तो ये वो मुश्किलात हैं जो आपके मुल्क में इस वक्त सामने हैं, हमारे रियासत के सामने हैं, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक फौज की नहीं है, एक ब्यूरोक्रेसी की नहीं है, और अगर वो अकेले समझते हैं कि हम हल करेंगे, मैं 10 दफ़ा लिख कर देने को तैयार हूं कि वो अकेले मसले को हल नहीं कर सकते। हम इस पर कौमी सोच को डेवलप करना चाहते हैं, आए हम आगे बढ़ें, हम सोचें अफगानिस्तान के साथ हमें क्या करना है, हम उसके लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं, क्या मसाइल हैं, हम क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। रोज़ रोज़ की शिकायतें अगर आप करेंगे तो वो भी करेंगे, तलखियाँ बढ़ेंगी और कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। लिहाजा सोच समझ कर हमें आगे कदम उठाने चाहिए, हमारी बातों को खैरख्वाही पे अमल करना चाहिए। यहाँ तो मुसीबत यह है कि अगर मेरी राय से किसी ने इख्तलाफ़ किया तो बस जैसे वो मेरा दुश्मन हो गया, नहीं, मुमकिन है आपका इख्तलाफ़ राय में मुझे रहनुमाई मिल जाए, मुझे एक अच्छी सोच मिल जाए। तो इख्तलाफ़ राय अगर नेकनीयत से हो तो वो तो रहमत है, उसका तो खैर मकदम होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिस हवाले से अभी आज आपने देखा, एक इसराइल है, बस उसको तस्लीम करो, उसको तस्लीम करो, उसको तस्लीम होना चाहिए, उसको तस्लीम होना चाहिए, कमबख्त के बच्चों फिलिस्तीन की तरह गया।
कब्जा फिलिस्तीन पे हुआ है, कब्जा मुसलमानों के क़िबल अव्वल पे हुआ है। वो भूल गए सारी दुनिया, और इसराइल को तस्लीम करो, इसराइल को तस्लीम करो। आज फिर सूरत हाल वहाँ बिगड़ी है, और ये रद्दअमल है जो कुछ उन्होंने मुसलसल बैतुल मक़दस में किया, जुमे की नमाजों में लोगों को कत्ल किया, नमाज के दौरान उन्होंने हमले किए, मुसलमानों के लाशें मस्जिद से निकली। कब तक बर्दाश्त करेंगे? आखिर कोई मुसलमानों के लिए नहीं कहता कि ये इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, लेकिन मुसलमान का दुश्मन चाहे कादियानी हो उसके लिए कहा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि IMF ने यहाँ तक कह दिया है कि हम पाकिस्तान को अगली किस्त तब देंगे अगर कादियानियों की इबादत गाहों को तहफ्फुज देने का हमारे साथ आहद किया जाएगा। तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई या नहीं? ये लोग किसी के एजेंट हैं या नहीं हैं? तो ये क्यों ऐसी बात करते हैं? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने तो ख़ुद अपनी किताब में लिखा है कि मैं अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा हूँ, खुद लिखा है उसने। अब ये सारे उसके खुद काश्ता पौधे के शाखे जो मुसलमानों पे हमले कर रहे हैं, उनके नज़रियात पे, उनके अकायद पे, पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे हैं। और फिर एक तो होता है इख्तलाफ़ राय, एक ये कि एक मुसलमान ईमानदार कलमा गो उसको आप काफिर भी कहें और उसका खून भी अपने लिए हलाल समझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ हलाक हो जाए ये अल्लाह के लिए इतना मुश्किल नहीं जितना अल्लाह पर भारी है एक मुसलमान का खून बहाना एक मरकज। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आसमान के लोग ज़मीनों के लोग इकट्ठे हो जाएं एक मोमिन का खून बहाएं तो मैं इन तमाम को जहन्नम में डालूंगा, एक खून के बदले में पूरे कायनात को मैं जहन्नम में डालूंगा। अब आप उलमाए किराम से पूछें तो उलमा कहते हैं कि अगर एक शख्स शराब पीता है और शराब को गुनाह समझता है तो वो गुनाहगार है और काफिर नहीं है, लेकिन अगर शराब पीता है उसको हलाल समझता है तो काफिर है। जिना करता है और जिना को गुनाह समझता है, अल्लाह के सामने अपने आप को शर्मिंदा समझता है तो फिर वो गुनाहगार है, काफिर नहीं है। अगर चोरी करता है और चोरी को हराम समझता है, डाका करता है डाके को हराम समझता है तो फिर हराम करने वाला अगर उसको हराम समझकर करता है तो ये गुनाह का मुर्तकिब है, काफिर तो नहीं हुआ। लेकिन अगर एक उसको हलाल समझता है तो उसको कहते हैं काफिर हो गया जी। अब मुसलमान का खून मोमिन का खून अपने लिए हलाल करार देना, उसके कत्ल को जायज़ समझना और हलाल समझना, ये कुफर रीत पर क्या होगा? और हम पर फतवे लगाते हैं जमहूरियत वाले हैं इसलिए काफिर है। तुम जमहूरियत को जानती नहीं हो जाहिल के बच्चों, अपनी जहालत तो हमारे ऊपर मत थोपो, न तुम्हें जमहूरियत की तारीफ आती है न दुनिया में कोई उसकी एक तारीफ है। तो इस हवाले से आपने अपने सोशल मीडिया की दुनिया को मोटिवेट करना है, उसे एक्टिवेट करना है, उसको मुतहर्रिक बनाना है और संजीदा अंदाज के साथ, ताकि लोग ये ना समझे कि मजाक उड़ा रहे हैं गपशप लगा रहे हैं। ये फेक IDs जो है ना इसका भी मुकाबला करना होता है। एक गलत बात करता है उसके पीछे जाना, 1 करोड़ फेक IDs होती हैं उसमें 1 मिनट के अंदर वो 100, 200, 500, 1000 लाइक्स आ जाती हैं। मुझे लोग बताते हैं मुझे तो पता नहीं है, वो कहते हैं ओहो ये क्या जबरदस्त बात कह दी। झूठ पर जिसकी सियासत मबनी हो, प्रोपेगेंडे पर जिसकी सियासत मबनी हो, वो तो ख़त्म हो जाएगी, वो तो नहीं रहेगी, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी। बातिल बातिल है, बातिल कहते ही उसे है जो मिट जाए, और हक हक है, हक कहते ही उसे हैं जो हमेशा रहे। तो आपने हक के साथ रहना है, इंशाल्लाह आप हमेशा रहेंगे और तारीख़ इस्लाम में बहुत सी वो झोंके आई हैं हवाओं के, बहुत से फ़िरके आए ज़मानों में, हुकूमतें भी की उन्होंने, आज नामो निशान तक नहीं है, उम्मत जानती ही नहीं उनको।
इन लोगों को भी कल उम्मत नहीं जाने की परवाह ही नहीं, लेकिन आज जब तक वो फितना है, जब तक उसका दजल है, तो फिर आपके ज़माने में अगर ये है तो आप पर उनका मुकाबला करना वाजिब है। दलील के साथ मुकाबला करें। हम मुद्दों को उठाने वाले लोग नहीं हैं, हम मुल्क के कानून और आइन के पाबंद हैं, और उस पाबंदी के साथ हम मुल्क में बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, हक बोलते हैं, जितना हमारे मालूमात हों, जितना हमारे बस में हो। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और हिम्मत करें। 14 अक्टूबर को मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह की याद में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके लिए भरपूर तैयारियां करें। इंशाल्लाह एक तारीख साज होगी और पूरी तारीख को तब्दील करेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कामयाबी से सरफराज फरमाए, कबूल फरमाए और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا واغفر لنا اللهم اغفر لنا واغفر لنا اللهم اغفر لنا واغفر لنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا رب.